अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विथ मी ज़ारनक ऑन मसाला टीवी। आज हम आपको एक फ्लावरलेस केक बनाना सिखाएंगे, ठीक है, मैदे के बगैर वाला केक यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेस। और मेरे पास यहाँ है 125 ग्राम ब्लांच्ड आमंड्स जिनको हमें पीस लेना है, और ये बेहतरीन मशीन डॉलन्स का स्टिक ब्लेंडर के साथ जो अटैचमेंट है चॉपर का वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप कीमा भी पीस सकते हैं और नट्स भी इस तरह पीस सकते हैं। आपको फाइनली ग्राउंड करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक तरफ रख लेंगे। यहाँ मेरे पास 3 अदद अंडे हैं सेपरेट किए हुए, जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग अलग हैं। 125 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट है जो मैंने बोल में डाल दी यहाँ, और इसी में हम डालेंगे 125 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन। डॉलन्स के हॉब पे आपने चूल्हे पे इसको ऑन कर दिया, और ये कांच है, टेम्पर्ड ग्लास है, बिल्कुल टूटता नहीं है, अनब्रेकेबल है, बेहतरीन ये चूल्हा है। कांच है तो बहुत अच्छी तरह ये साफ भी हो जाता है, और आप देखिए कि कोई माचिस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली ये आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ आपको इसको पिघलाना है और बिल्कुल ठंडा कर देना है। सो चॉकलेट है 125 ग्राम, मक्खन है 125 ग्राम फीका अनसॉल्टेड, यहाँ हमने 125 ग्राम बादाम लिए थे, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अब नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल बीट, सफ़ेदियों को हमेशा पहले बीट कर लेते हैं। चॉकलेट को और मक्खन को आपने पिघलाना है लेकिन नीचे लग ना जाए, ठीक है। मेक जस्ट मेक श्योर कि ये चूल्हा बिल्कुल कम आंच पे रखें आप। आज की दूसरी रेसिपी बीफ बर्गर्स हैं, आप देखिएगा कि मैं किस तरह बीफ बर्गर्स बनाऊंगी, और हमारे साथ रहिएगा, ये एपिसोड पूरा देखिएगा। गेट सेट कुक बाय डॉलन्स। ओके, सफ़ेदियों को बीट करना है और जर्दियों को अलग से बीट करना है, और फिर उसमें चीनी डाल दी। अब यहाँ जर्दियाँ जाएंगी, 3 अदद जर्दियाँ जो हमने एग सेपरेट किए थे उसमें से, और उसको बीट करके हम चीनी डालेंगे, ठीक है, वो भी 125 ग्राम। जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि ये चॉकलेट अच्छी तरह पिघल जाए, और मक्खन भी, मक्खन तो पिघल चुका है, बस चॉकलेट थोड़े से छोटे से पीसेस हैं वो भी साथ साथ पिघल जाएंगे इसी की हीट में। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको आपने ठंडा करना है। अंडे में हम गरम चॉकलेट और मक्खन नहीं डालेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। सो मैंने 3 अदद अंडे लिए थे, सेपरेट कर दिया था, सफ़ेदियों को अलग से बीट कर लिया, जर्दियों को अलग से बीट कर लिया, 125 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, 125 ग्राम चॉकलेट है डार्क कुकिंग चॉकलेट, और 125 ग्राम ही फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 125 ग्राम ही ये बादाम थे जो हमने पीस लिए हैं, ठीक है, डॉलन्स के चॉपर के अटैचमेंट में। यहाँ ये कॉस्टली ग्राउंड बादाम आपको नज़र आ रहे हैं, और इसको हम बेक किस में करेंगे जी, डॉलन्स के अवन में करेंगे। बिल्ट इन अवन जो है इनका हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिक अवन है, एफिशिएंट इनकी हीटिंग और इंसुलेशन है, परफेक्ट फॉर बेकिंग है, और डबल ग्लास डोर है जो बाहर की सरफेस को बिल्कुल कूल रखता है और मेंटेन करता है अंदर की टेम्परेचर को। रिमूवेबल ग्लास डोर है, ईजी टू क्लीन, निकाल के आप बिल्कुल उसको साफ कर सकते हैं, कि इतना वाजे आपको अंदर से क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है। ओके,
दिस इज आइसिंग शुगर, ये बाद में जाएगा क्योंकि ऑरेंजेस सीजन में है तो हम ऑरेंज का छिलका डालते हैं, द जेस्ट, ठीक है, सर्दी में हम वो भी डाल देंगे। और ये सारी चीजों को हम धोने के लिए यहां रख देते हैं। इसमें हम बादाम डाल देंगे पिसे हुए। मशीन्स का ख़ास ख्याल रखा करें, उसमें स्टील के चमचे ना मारा करें, आप इसी तरह स्पैचुला यूज़ किया करें हमेशा। और सब कुछ एक्सेस जो हो अंदर जो चिपक गया हो उसको रिमूव करने के लिए स्पैचुलाज आर द बेस्ट, और बिल्कुल वो निशान वगैरह हो जाते हैं अगर चम्मच हम स्टील के इस्तेमाल करते हैं, सो डोंट यूज़ दैट। ठीक है जी, ये भी हो गया। सफ़ेदियाँ हम एंड में फोल्ड कर देंगे। ये जो यहाँ चॉकलेट और मक्खन है उसको हमने अंदर मिक्स करना है। अब आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम दीजिएगा। चॉकलेट और मक्खन पिघला हुआ ये आपने इसमें डाल दिया। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट का इस्तेमाल करिएगा ताकि जो एंड रिज़ल्ट हो, जो आपने बनाया हो रेसिपी, वो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी हो। ठीक है, अब हमने सफ़ेदी को अंदर फोल्ड कर देना है। सो पहले हम आधी सफ़ेदी फोल्ड करेंगे। फ्लावरलेस केक है, बादाम से बनता है ये, ट्राई करिएगा रेसिपी ज़रूर और हमें फीडबैक दीजिएगा। ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट ये सारी सफ़ेदी चम्मच से, अगर नहीं हो तो फिर आप हल्का सा बीटर चलाइएगा। जो टिन है वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए, ग्रीस किया हुआ, पेपर लगा हुआ, ठीक है। अब हल्के हाथ से आप इसको सफ़ेदियों को अच्छी तरह अंदर मिक्स कर दीजिए और इस टिन में पॉक कर दीजिए टू बेक। और अब मैं इसको रख देती हूँ टू बेक इन आर डॉलन्स बिल्ट इन ओवन। प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से आएंगे वापस तो हम फिर पोटैटो वेजेस कैसे बनाते हैं अवन में वो मैं आपको सिखाऊंगी, और उसके अलावा हम बीफ के बर्गर्स बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब हम क्या करेंगे, बीफ बर्गर्स के साथ जो हम स्पाइसी पोटैटो वेजेस आपको सर्व करेंगे उसको हम अवन में रख देंगे, ठीक है। सो यहाँ मेरे पास आलू हैं, आप चाहें तो वेजेस में काट के, देखें इस तरह के वेजेस में आप काट लीजिएगा, छिलका रहने दीजिएगा, अच्छी तरह साफ़ करिएगा छिलके को, ठीक है पहले। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गर्म पानी करके उसमें बस डाल के निकाल दीजिएगा आलू को, और वेजेस में पहले काट के, ताकि फिर इस तरह के शेप्स हों और जल्दी से पक भी जाए। और अवन में हमने दूसरी ट्रे भी रख दी है, केक को हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है ताकि मेरे पास जगह हो टू पुट माय पोटैटो वेजेस एज वेल। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती चलूँ। देखें, ये है मैंगो पाउडर, सफ़ेद मिर्च डालेंगे, मैंगो पाउडर डालेंगे, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और वॉट एवर स्पाइसिस यू वॉन्ट टू ऐड आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ा ज़ीरा है भुना हुआ पिसा हुआ, थोड़ा धनिया है, थोड़ी लाल मिर्चें आपने डालनी हो तो वो आप डाल सकते हैं, एनी थिंग एंड एवरी थिंग यू कैन पुट, एंड अ बिट ऑफ ऑयल, ठीक है। थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरह आलू को मिक्स करके फिर आप अवन में रख दीजिएगा। सो तेल है, आलू है, और वेजेस में कटे हुए ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है, मैंगो पाउडर यानी खटाई पाउडर है, और सफ़ेद मिर्च। अब सब कुछ मिक्स करके आप एक
इस तरह करके आप एक पायरेक्स के डिश में रख के, फ्राइज की जगह हम आज बेक पोटैटो वेजेस करेंगे जो हम ये बीफ के बर्गर्स के साथ सर्व करेंगे। ठीक है ना, मज़े का आइडिया। हमेशा हम फ्राइज सर्व करते हैं, सो समथिंग डिफरेंट एंड हेल्दी एंड बेक्ड, बिकॉज हमने इसको डॉलन्स के बिल्ट इन अवन में बेक करना है। दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू पुट माई पोटैटो वेजेस इन टू बेक। ठीक है जी, ये हो जाएगा, हम इसको निकाल देंगे। केक हमारा अवन में हो रहा है। अब हम आते हैं बर्गर की तरफ। सो व्हाट वी विल डू इज थोड़ा सा तेल, जी हल्का सा हम तेल डाल के ना बर्गर बंस को टोस्ट कर देंगे। और यहाँ हम प्याज को और लहसुन को फ्राई करेंगे। प्याज डाल दी चॉप करके और लहसुन डाल दिया। बर्गर बंस को आप टोस्ट करते यहाँ रखते जाइए। और फिर यहाँ मेरे पास है बीफ का कीमा आधा किलो, ठीक है, उसमें हम ये प्याज और लहसुन शामिल करेंगे जो हम हल्का सा सॉटे कर रहे हैं। उसमें हम हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे और सारे मसाले डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मसाले। हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हरी मिर्चें हैं, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी चाहिए, ठीक है। और हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छा, अदरक और लहसुन दोनों है यहाँ। पेस्ट नहीं इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, जितना हो सके फ्रेश का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ है, हम टोस्ट कर रहे हैं बर्गर बंस को, ये वाले हो गए हैं। हरा धनिया भी हम इसमें शामिल कर देंगे। एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्स्ड इन वेरी वेल। प्याज है, अदरक लहसुन है, बीफ का कीमा है, थोड़ा सा तेल में हमने भून लिया है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, नमक है और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, सब कुछ मिक्स कर दीजिए, ठीक है। केचप तो हम इसमें लगाएंगे फिर बर्गर बंस पे। मेयोनीज़ लगा सकते हैं, अगर आपको गार्लिक मेयोनीज़ पसंद है वो लगा सकते हैं। बहुत सारी मेयोनीज़ वगैरह, सारे सॉसेज वगैरह मैंने बनाना भी सिखाया है आपको। अच्छा, आलू पे ध्यान रखिएगा, हमें बहुत ज़्यादा उसको ओवर कुक नहीं कर देना है, ठीक है, स्पेशली अगर आपने उसको ब्लांच किया या बॉईल किया है तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। 40 मिनट लगेंगे आपको इस केक को बेक करने में। सो ये याद रखिएगा, इट्स अ फ्लावरलेस केक, मैदे के बगैर का जो केक होता है उसमें बादाम होते हैं, इसको आप ग्लूटेन फ्री केक भी कह सकते हैं। मैंने इसमें फ्लेवर देने के लिए ऑरेंज का जेस्ट डाला है, आप एसेंस भी डाल सकते हैं, वेनिला एसेंस या ऑरेंज एसेंस। अच्छा जी, अच्छी तरह हमने इसको भून लिया, प्याज और अदरक लहसुन। अब इसको आप थोड़ा सा ठंडा करिएगा आपके पास जब टाइम हो, और इसमें शामिल कर दीजिएगा एंड अच्छी तरह मसाले और कीमे के साथ सब कुछ मिक्स करिएगा। बीफ का कीमा है, आप चिकन का यूज़ कर लें, मटन का कर लें, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, फिर आप जैसे हैंडल कर सकें उसको। अच्छी तरह इसके चार पैटी बना देंगे हम मिक्स करके। मसाला आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्चें आप कम कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लाल मिर्चें भी कम कर सकते हैं। दिस बर्गर इज ऑल्सो नाइस एंड टोस्टेड। बस अब इसको हम साइड में रख देते हैं।
यहाँ मैंने आइसिंग शुगर रखी है डस्ट करने के लिए ऑन आर केक. चूल्हा इज सो रिलायबल, साफ आराम से हो जाता है एंड टेम्पर्ड ग्लास है, टूटता भी नहीं है, अनब्रेकेबल है. तो आप भी ज़रूर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग रियली नाइस, तो फिर ये डॉलन्स के अप्लायंसेस हैं. आप यहाँ रेफ्रिजरेटर देख सकते हैं, इसमें 20 डेज तक फ्रेश वेजिटेबल्स रहती हैं. इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये. इसके अलावा टेबल ब्लेंडर है, चॉपर है, ये भी हम कितनी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं. इससे आप टमेटो प्यूरे बहुत अच्छी बना सकते हैं विद द स्टिक ब्लेंडर. उसके साथ अटैचमेंट्स भी हैं इनका, जो ये है स्पाउट के साथ, ये जो मेजरिंग, सारे इन्होंने यहाँ मेजरमेंट्स भी दिए हुए हैं विच इज़ वेरी नाइस एंड यूजफुल. अंडे वगैरह हो, क्रीम हो, तो आप इससे विस्क से कर सकते हैं. और चॉपर भी इसके साथ अटैचमेंट है. इसके अलावा यहाँ बिल्ट इन माइक्रोवेव अवन एंड अवन एज वेल. सो आई होप आप भी फ़ायदा उठाएंगे डॉलन्स के अप्लायंसेस का इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग इन योर किचन. और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ ताकि फिर मैं इसके 4 पैटी बना लूँ और इसको फिर हम फ्राई कर दें. आप लोग मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा ताकि अदरक लहसुन वगैरह मसाले वगैरह कीमे के साथ थोड़े से अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. ठीक है, ओके जी. जब तक ये हम ज़रा क्लीनअप वगैरह करते हैं, ब्रेक की तरफ हमें चलना है. देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विथ मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी. जी वेलकम बैक. आप देख रहे हैं गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विथ मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी. बीफ के कीमे के जो पैटी हैं वो हम फ्राई कर रहे हैं यहाँ. ठीक है, तेल में ऑन डॉलन्स हब. और आप इसमें अगर चीज़ डालना चाहें आप वो भी कर सकते हैं. थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दीजिएगा इस तरह. और लीन बीफ का कीमा इस्तेमाल करिएगा. अगर आपको लगे कि बहुत साबुत है प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें वगैरह, तो आप उसको डॉलन्स के चॉपर में डाल सकते हैं, इस वाले में. ठीक है, जो विस्क के साथ ये अटैचमेंट है ना, ये वाले में, स्टिक ब्लेंडर में, ये इसका जो अटैचमेंट है उसमें डाल दीजिएगा और उसको आप और मज़ीद पीस लीजिएगा. ओके, जो आलू थे वो देखें हमारे हो गए हैं अच्छे से बेक. उनको मैं यहाँ रख देती हूँ. जैसे हम फ्राइज़ को कैसे रखते हैं वैसे ही आलू को ब्लांच करिएगा ताकि जल्दी से ये पक जाएं. गर्म पानी में डालिएगा 5 मिनट के लिए, फिर आप निकाल दीजिएगा. और फ्राइज़ की जगह आप आज बेक्ड पोटैटो वेजेस सर्व कर दीजिएगा. ओके, मैं यहाँ फ़िलहाल थोड़ा सा केचप या आप चिली गार्लिक सॉस लगाएं या वट एवर यू वॉन्ट टू पुट ऑन द बेस ऑफ योर बर्गर बन. फिर सलाद का पत्ता, और जो पैटी हमारे फ्राई हो जाएंगे वो. केक हमारा फ्लावरलेस केक अभी बेक हो रहा है. खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. ट्राई आप भी ज़रूर करिएगा इन सारी रेसिपीज़ को. व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट अ स्कूअर. स्कूअर डाल के आपने चेक करना है इफ़ योर केक इज़ डन और नॉट. 40 मिनट तो ज़रूर लगेंगे केक को. ठीक है, अभी नहीं हुआ है. भी देखें स्कूअर हमारा साफ नहीं निकला है. सो आई हैव टू वेट फॉर अ वाइल. प्रेस डाउन कर दीजिए इस तरह और फ्राई होने दीजिए. अच्छा जी, देखें हमारे ये पैटी हो गए हैं. तो ये बीफ के बर्गर्स के पैटी जो हैं हम निकाल देते हैं एक प्लेट में ताकि एक्सेस जो इसका तेल हो वो सब इसमें हम निथार सकें. और फिर हमें एक एक पैटी को आप रख लीजिए. बीफ के बर्गर्स हैं, आप इसी तरह चिकन के साथ कर सकते हैं, चिकन के कीमे के साथ. ठीक है जी,
अच्छा जी, बीफ बर्गर्स हमारे रेडी हो गए हैं स्पाइसी पोटैटो वेजेस के साथ। हम लेते हैं क्लीन अप ब्रेक और फिर उसके बाद हम केक को भी निकालेंगे, फ्लावरलेस केक जो हमने बेक किया है। एक चीज़ मैं इस केक के बारे में बता दूं, चूंकि इसमें कुछ भी मैदा वगैरह नहीं है, इसको ग्लूटेन फ्री केक भी कहा जाता है और ग्लूटेन इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं वो भी खा सकते हैं। और आप इस केक को ओवर बेक नहीं करिएगा, 30 से 40 मिनट्स तक ही बेक करिएगा। आपको लगेगा कि अभी भी वो ढीला सा है, अभी नहीं बेक हुआ, कच्चा नहीं होगा। निकाल के 3-4 घंटे उसको जाली पे ठंडा करिएगा, फिर दूसरे दिन इसको सर्व करिएगा। ऊपर से आइसिंग शुगर डस्ट करके क्रीम के साथ, कस्टर्ड के साथ, आइसक्रीम के साथ एक एक वेज, ठीक है? ये फ्लावरलेस केक जरूर ट्राई करिएगा। बीफ बर्गर्स, अच्छा तेल एक खाने का चमचा, कटी प्याज एक अदद, कटी अदरक 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा, कटा लहसुन 2 जवे, कटी हरी मिर्च 2 अदद, बीफ का कीमा 800 ग्राम, नमक 1 चुटकी, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 3 चाय के चमचे, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 से 2 चाय के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे। स्पाइसी पोटैटो वेजेस के लिए आलू वेजेस 1/2 किलो, तेल 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, आमचूर 1 चाय का चमचा। सर्व के लिए बर्गर बंस 4 से 6 अदद, केचप हस्बे ज़रूरत। तरकीब, तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें, अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें शामिल करके पकाएं। पानी खुश्क होने पर इसे प्लेट पर निकाल लें और फैलाएं। फिर एक पैन में नमक शामिल करके आलू के कतले उबाल लें। उसके बाद आलुओं को बेकिंग ट्रे में रखें और तेल छिड़कें और कोट कर लें। अब इन्हें 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 20 से 25 मिनट बेक करके निकाल लें। फिर तमाम मसाले मिक्स करके ब्लेंड करके रख दें। उसके बाद गाय के कीमे में तमाम अज्जा मिक्स करें और पैटी बना लें। अब बर्गर पर आलू के कतले, पैटी, केचप डाल के सर्व करें। फ्लावरलेस केक, अज्जा पिसे बादाम ब्लांच्ड 125 ग्राम, डार्क चॉकलेट 125 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर 125 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 125 ग्राम, ऑरेंज जेस्ट 1 चाय का चमचा, अंडे जर्दी सफ़ेदी अलग 3 अदद, आइसिंग शुगर डस्टिंग के लिए। तरकीब, चॉकलेट और मक्खन को पिघलाकर नरम कर लें। अब इसमें चीनी, पिसे बादाम डालकर निकाल लें। फिर इसमें अंडों की जर्दी और जेस्ट शामिल करके चमचा चलाएं। उसके बाद एक अलहदा बोल में अंडों की सफ़ेदी फेंट कर चॉकलेट और बादाम वाले मिक्सचर में मिक्स करें। अब इस बैटर को 8 इंच के ग्रीस के हुए ट्रेड में रखें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 40 मिनट बेक करके सर्व करें। जी वेलकम बैक, हम रेडी हैं। द केक इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द ओवन। अब बस एक चीज़ आपने करनी है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप लोग उसके ऊपर आइसिंग शुगर छिड़क दीजिएगा, ठीक है? दैट्स द लास्ट थिंग यू डू। फ्लावरलेस केक हमने रेडी किया है, आप इसको ठंडा करिएगा, फिर आप इसको स्लाइसेस में काटिए, वेजेस में काटिए और सर्व करिए आइसक्रीम के साथ या क्रीम के साथ, इवन ऑन इट्स ओन प्लेन भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, वेजेस जो हमने पोटैटो वेजेस बनाए थे, बेक पोटैटो वेजेस मसाले के साथ अवन में, वो भी रेडी है और बीफ के बर्गर्स भी। तो आप इसी तरह सर्व करिएगा, नॉट नेसेसरली कि आप हमेशा फ्राइज के साथ सर्व करिए। दोनों रेसिपीज ट्राई करिएगा। मैं इसको भी टिन में से इसलिए नहीं निकाल रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी हॉट, ठीक है? इसको जाली पे 3-4 घंटे ठंडा होने दीजिएगा। ये केक बहुत सॉफ्ट है बिकॉज इसमें मैदा नहीं है टू होल्ड इट टुगेदर, तो ये केक बहुत सॉफ्ट है, तो टूट जाएगा अगर आप जल्दी करेंगे तो। 3-4 घंटों के बाद एक ब्लंट नाइफ लेके साइड पे ऐसे करके उसको थोड़ा लूजन अप करिएगा और फिर आप उसको उल्टा कर लीजिएगा और पेपर निकाल दीजिएगा, एंड देन यू कैन एंजॉय इट, ठीक है जी? सो आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। अब मुलाकात होगी आपकी और मेरी एक और एपिसोड में, सो देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। Masala to your life.